पिगड़ोली पंचायत में मेरे यहाँ पे गए 15 सालों से गटर की समस्या थी। 1400 लोगों का कचरा मेरे घर के यहाँ से गुजर के जाता था। इंडियन हट के जरिए मैंने ये वीडियो बनाकर बदलाव लाया। सुंदर मुंबई, सच्ची मुंबई, ऐसा सही में है? पिगड़ोली पंचायत में जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर 1400 लोगों का कचरा एक ही नाले से बहकर जाता है जहाँ पे मेरा घर है, और उसी नाले का पानी मेरे घर में आता है और हमेशा बीमारी फैलने का डर लगा रहता है। पानी भर जाता है घर के अंदर में और सिर्फ मच्छर पैदा होते हैं और हरदम बहुत तकलीफ होती है। मोरी में भी पानी भर जाता है, मोरी का पानी सब घर के अंदर में आता है। इंडिया अनहर्ड से जुले का जो वहाँ की रहने वाली सदस्य है उन्होंने आके इसके बारे में मुझे बताया था। ये समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि लोगों के घरों में पूरा गटर का पानी जा रहा है। मैंने जाके तुरंत साइट विजिट किया, वो साइट विजिट करने के बाद देखा तो सही में कंडीशन बस मिजरेबल, क्योंकि पानी घरों में घुसा जा रहा था और पानी बारिश के दिनों में तो इट वुड हैव बीन मोर क्रिटिकल। तो मेन प्रॉब्लम है कि कचरा नहीं डालना चाहिए, लोकल अवेयरनेस पेपर में आना बहुत ज़रूरी है। जो आने के लिए मैंने जुलेका से बात की है कि कुछ तो वहाँ पर ऐसा प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर ये सुबह के टाइम पे एक फिक्स टाइम पे अगर दत्तक बस्ती आके एकदम कचरा उठाती रहेगी तो क्यों हम ये पूरा दिन का कचरा इकट्ठा नहीं करके साथ में रखें और क्यों वहाँ पर गटर में डाल के और प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो ऐसा कुछ कैंपेन करेंगे ताकि लोगों को पब्लिक अवेयरनेस आना चाहिए जुलेका, बिकॉज ऑफ यू दैट वर्क हैज़ बीन डन इन योर सोसाइटी। और ऐसे ही आप हर एक एरिया में जाके अगर आप देखेंगे और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। पहले मेरे घर में जल पानी आता था गटर का, अभी जब से चैनल बना है जब से पानी नहीं आता। इंडियन अनघट को शुक्रिया, तुम्हारे चैनल ऐसे ही काम करता रहेगा तो देश का भला होगा। इंडियन हट के जरिए 15 साल का काम मैंने 6 महीने के अंदर करके दिखाया। अगर हौसला हो तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। सुरेखा सैयद, मुंबई से, इंडियन हट के लिए।